चोटी आ रहा है मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एपिसोड बताया मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया जहाँ पे सुनीशा पार्क के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वाज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर, जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि वो 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा वनिता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का सरासर गलत है। 23 तारीख को शीशान ने अपने फोन से उनकी माता जी को फोन किया, आप जहाँ भी हैं आप तुरंत अभी इसी सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहाँ पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न्ड केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माता जी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से उनकी माता जी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना बनीटा को 104 फीवर आया था, वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ निशा की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रहे थे, 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम का कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चेन्नई की प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है। जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई और आप प्लीज सुनीशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार है उनको कुछ तो सीजोफ्रेनिया उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेले भी उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ, सेंट मार्टिन जाओ, तो उसको आके देख के जांच हो गई थी। उसके बाद घर पर आई बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने अर्थ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्जी की है, कहा कि उनकी मदद की। उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे अभी वो सारे सबूत, सब सबूत है। सर जब इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आगे ब्रेकअप कैसे हुआ उन लोगों का? क्योंकि उनकी मां नहीं चाहती थी, और उनकी मां नहीं चाहती थी शादी कर सकते थे। कौन शादी कर रहा है? उसकी माँ से बचा सकता था। माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है? दोनों शादी वाला है। अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी? बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन लास्ट मोमेंट ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट में कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट में उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि दो महीने से सबसे ज्यादा उसकी मांग थी 16 तारीख को नहीं समझाया। 16 तारीख को बहुत शादी खराब है।
कभी तुनिशा ने या सिद्धांत ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? सिंपल अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे में दे रहा हूँ आपको थोड़ा समय। आगे किधर जा रहा है? झूम नहीं है क्या?